ठीक है बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स के देखेंगे, जीके के। तो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दीक्षा स्वयं एंड निष्ठा, ठीक है, ये तीन नामों से एक बेसिकली इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो सबसे पहले इसमें ये पूछ रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज टेकन दिस इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिया है। एक्चुअली में ये तीन अलग अलग प्रोग्राम थे जिनको क्लब कर दिया है, एक बना दिया। 2018 से चलता चला आ रहा है, 2018 में कोई इनमें से एक आया था, फिर 2020 में आया, फिर 2021 में आया। तो इट हैज बीन टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है और किस नाम से पूछ सकते हैं हमसे ये? यहाँ और क्या नाम लिखा हो सकता है बताइए। ठीक है, क्या लिखा हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी कुछ दिन पहले जो मिनिस्टर थी वो हमारी स्मृति ईरानी जी थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब कौन है एमएचआरडी मिनिस्टर इस टाइम? कौन है एमएचआरडी मिनिस्टर? मुझे आप लोग अभी बताएंगे ढूंढ के, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, 26 अप्रैल की ही है, सर्बिया ओपन टाइटल, एंड्रे रुबलेव डिफीटेड नोवाक डोकोविक। ये जो नोवाक डोकोविक है ना, इसके ऊपर एक सवाल आ चुका है पहले भी, ठीक है। ये बेसिकली टेनिस के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के ये भी। तो ये पहले काफी वाद विवादों में घिरे रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर सवाल भी पूछा जाता है जो लोग ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। इनके ऊपर एक एलिगेशन ये था कि ये बेसिकली ड्रग्स लेकर खेलते हैं, है ना, डोपिंग जो होती है स्पोर्ट्स के अंदर। तो बहरहाल उस केस का क्या हुआ ये तो नहीं पता। तो ये नहीं है नोवाक, ये नहीं है, ये तो इनका नाम तो ये है एंड्रे रुबलेव, ठीक है। ये दोनों सर्बिया के हैज डिफीट, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, सर्बिया ओपन टाइटल में इस टाइम ये एंड्रे रुबलेव ने नोवाक डोकोविक को जो है वो बेसिकली हराया है, ये बात याद रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है, हो सकता है आजकल बन रहा हो पेपर इस चीज का, क्योंकि 2 महीने बाद है आपका क्या नाम है टेस्ट, तो बल्कि 2 महीने से भी ज्यादा है उसके अंदर। क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई में ना टेस्ट आपका? यस सर। हाँ, तो ये अप्रैल का जो महीना है ना, अप्रैल का महीना, मार्च अप्रैल मई की जितने भी करंट अफेयर्स है ना, इसमें से एक सवाल आएगा 100%। मार्च अप्रैल मई, अप्रैल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो इसीलिए मैंने ये बिल्कुल करंट अफेयर्स के सवाल रखे भी। तो ये नाम एक बार देख लेंगे, शक्ल इसलिए दिखा देता हूं मैं, शक्ल देखने से ज्यादा दिन तक याद रहता है। ओके, आगे बढ़ते हूं। एक ये डेथ हो गई है केनिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट की, आज ही इसकी न्यूज आई। ये बेसिकली 2002 से 13 तक प्रेसिडेंट थे, ठीक है, मवाई किबाकी पास इज अवे। तो ये केनिया के प्रेसिडेंट हैं, इनकी डेथ हो गई है, 90 साल के थे ये, और 2002 से 2013 तक ये प्रेसिडेंट थे। ओके, ये देखा जाएगा, ये देखना पड़ेगा ये कभी इंडिया आए थे या नहीं आए थे, तो मैं टाइम नहीं मिला, देखा नहीं मैंने, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कौन से केनिया के प्रेसिडेंट रिसेंटली अभी डेथ हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे बहुत,
कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च्ड सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस, ठीक है, ये सांस नहीं है कभी, है ना, मदर इन लॉ नहीं है ये सांस, सांस का मतलब ये जो हम लेते हैं नाक से। तो इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आप लोगों को। एक्चुअली में जितने भी न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनमें कुछ की डेथ हो जाती है। कर्नाटका में ये आंकड़ा 28 बच्चे मर जाते हैं हर 1000 बच्चों में, 28 बच्चे पैदाइश के वक्त ही मर जाते हैं 1000 बच्चों में रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से, निमोनिया की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए जो बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट है उसकी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट मिनिस्ट्री, ठीक है, स्टेट मिनिस्ट्री की हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है केशव प्रसाद रेड्डी सुधाकर, हैज लॉन्च्ड ए सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसी का ये एस उठाया, ए उठाया और ए उठाया और एन उठाया, पी उठाया और एस उठाया, तो उससे ये सांस बना दिया, बात समझ में। तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल करंट अफेयर है ये, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो बेसिकली सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है ये किस गवर्नमेंट ने आपके लॉन्च किया था, तो याद रखिएगा कर्नाटका ने किया था ये। हालांकि ये शायद मुश्किल ही है कि नाम पूछे केशव रेड्डी सुधाकर, ये नाम पूछे आपसे इसकी तो पॉसिबिलिटी कम है, हालांकि पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखें आप सांस और कर्नाटक, ठीक है। और ये किस लिए है, इट इज ऑल्सो yes, ये भी सेकेंडरी पॉइंट है कि किस लिए बेसिकली हुआ है। तो किस लिए हुआ है, तो आप बच्चे की शक्ल भी यहाँ पर नजर आ रही है, तो इससे आप समझ जाइए कि बेसिकली न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, नीति आयोग रिलीज ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी 2022। तो जो नीति आयोग है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी शाखा है जो बेसिकली नीतियां बनाती है डिफरेंट मुद्दों पर, ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया है किसके लिए, बैटरी स्वैपिंग के लिए। अब ये बैटरी स्वैपिंग क्या है ये बता देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारे खास तौर से जो छोटे व्हीकल्स होते हैं यानी कि टू व्हीलर या थ्री व्हीलर जो बैटरी से चलते हैं, तो उनके साथ दिक्कत क्या है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, तो व्हीकल भी वहीं के वहीं खड़ा हो जाता, तो व्हीकल भी आइडल आ जाता, आइडल पोजिशन पे हो जाता है और चार्ज जो बैटरी लगी हुई है वो चार्ज होती रहती है। तो इससे क्या होता है, इससे टाइम का डिले होता है, ठीक है, अननेसेसरी वहां पर खड़ा हो गया, फिर वहां पर जगह भी चाहिए पार्किंग की जहां पर बैटरी बेसिकली चार्जिंग हो रही है, हर घर में तो चार्जिंग होगी नहीं। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को थोड़ा सा ठीक कर दिया गवर्नमेंट ने, बल्कि ये आपके शुरू करने जा रही है, शुरू कर दिया है कि आप बैटरी ही चेंज कर लीजिए, जो डिस्चार्ज बैटरी है वो छोड़ जाइए और जो चार्ज बैटरी है वो आप ले जाइए। जस्ट लाइक एलपीजी सिलेंडर, जब एलपीजी सिलेंडर, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एलपीजी सिलेंडर जो है उसको आप लेके जाते हैं, उसमें गैस भरवा कर वापस लेके आते हैं उसी सिलेंडर में, आप क्या करते हैं जब खाली हो जाता है तो वो सिलेंडर चला जाता है, दूसरा आ जाता है आपके पास भरा हो। तो अगर सिलेंडर के अंदर भी यही केस हो, फॉर एग्जांपल खाली हो जाए तो फिर हम उसे लेके भागें और फिर वहां पर भरवाएं, तो मतलब ये तो हर महीने एक दो दिन आदमी को खड़ा रहना पड़ेगा, कई कई घंटे, है कि नहीं, और वहां पता चला लाइन लगेगी yes, भरवाया जा रहा है वो सिलेंडर, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि सिलेंडर ही चेंज हो जाए, तो सिलेंडर में स्वैपिंग है। तो इसी तरह से बैटरीज के अंदर भी किया जा रहा है, और ये बेसिकली हर जगह के लिए नहीं है, ये जहां पर 40 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये नीति आयोग की एक इंफॉर्मेशन थी, सो दीज वर द टुडेज